सर आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम शफी अहमद है। सर अपना पूरा परिचय दें, आपका घर कहाँ हुआ? सर पैतृक हमारा तो उमरी है, मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद सईद अंसारी जो यहाँ के गणमान्य चिकित्सक थे और बाद में 1965 में फिर मधेपुर आ गए और फिर यहीं पे एस्टेब्लिशमेंट हो गया उनका। डॉक्टर सईद अंसारी को परिचय देने का कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना ऐसा छाप छोड़ दिए हैं कि समझिए कि उनके बारे में वर्णन करना, मतलब इतना वर्णन किया जाए। डॉक्टर साहब ओरिजिनल कांग्रेसिया थे, राधानंद झा के साथ में बहुत अच्छा संबंध था और कांग्रेस पार्टी से उनसे जुड़े हुए थे और हम लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा संबंध था। जी आप उनके बड़ा लड़के हैं? हम उनके मझले लड़के हैं। आप तीन भाई हैं? जी तीन भाई हैं। जी तो सर आपका घर हुआ एक्चुअली में? जी। और आपका प्रॉपर्टी तो बहुत जगह है, देखिए बता रहे हैं कि अभी जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं ये तो आपका अपना निजी बिल्डिंग है, ये तो बहुत पुराना आपका बिल्डिंग है, डॉक्टर साहब जी रहते थे। देखिए बताइए आप कि यहाँ कौन सी पैथोलॉजी का आप खुले हुए हैं, कौन सा इलाज चलता है? सर ये मेरा जो पैथोलॉजी है जनता पैथोलॉजी के नाम से रजिस्टर्ड है। जी। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 421 /22 है जी। और ये लगभग सन 2000 से मेरे पैथोलॉजी चल रहा है जी। और ये बेसिक कंपोजिट लैब है जी। चूँकि यहाँ पे देहात का इलाका है और यहाँ पे कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है जी। तो बेसिक कंपोजिट लैब करके यहाँ पे मेरे लैब का रजिस्ट्रेशन है जी। और इसमें जो बुनियादी जो जांच होती है, जो डॉक्टर प्राइमरी स्टेज में जो टेस्ट करते हैं उसका यहाँ पे टेस्ट होता है जी। जी जैसे बता दीजिए कौन कौन चीज का जांच होता है? जैसे CBC, जैसे यूरिन रूटीन जी, जैसे शुगर का टेस्ट हुआ, जैसे जॉन्डिस के पेशेंट हुए तो सेरम बिलरुबिन वगैरह, या किडनी से इफेक्टेड कोई पेशेंट होते हैं क्रिएटिनिन वगैरह, या लीवर इफेक्टेड होते हैं SGPT, तो इस तरह का यह सामान जांच होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा भी सबका जो आता है और सर इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है सर के लाल पैथ लैब, थायरो केयर और एक और है मेट्रोपोलिस, तो इन लोगों के एजेंट यहाँ आते हैं, हम लोग उसको विधिवत बिल्कुल सही तरीके से उसको स्टोरेज करके फिर सैंपल लेके भेजते हैं और फिर उसका 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट आता है तो पेशेंट को हम दे देते हैं। यहाँ आप कितना दिन से पैथोलॉजी करवा रहे हैं? सर हम लगभग 2020 से जी है। सर हमारे पास दो स्टाफ हैं जो दिन में ड्यूटी के समय आता है, प्राय 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो यहाँ रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, डॉक्टर इरशाद रजा जो कि MBBS डॉक्टर हैं, तो वो हमारे अभिभावक कम डॉक्टर हैं और उन्हीं की निगरानी में सारा काम होता है, पैथोलॉजी होता है। यहाँ लोग गरीब गुरबा चल रहा है जी, मान लीजिए ज़्यादा दिल्ली मुंबई में नौकरी करने वाला है, उसको मान लीजिए अगर थोड़ा महंगा इलाज चलता है तो प्रॉब्लम जी राजपाल ले देगा। आपके यहाँ मिनिमम कम से कम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पड़ता है तो पैसा आगरा होना? सर मेरे यहाँ जो टेस्ट होता है उसमें मिनिमम जो टेस्ट होता है वो 100 रुपये का होता है और मैक्सिमम जो टेस्ट होता है वो प्रायः 300 का होता है जी। वही वाला 100 से 300 जी जी यही होता है जी। कोई महंगा नहीं है, सस्ते हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत ही मतलब जो बहुत ज़रूरी होता है तभी वो टेस्ट लिखते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है सर कि
गरीबों का शोषण नहीं हो और उनका समुचित इलाज हो, इलाज में भी कोई कमी नहीं हो। आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, आप भेदभाव के लड़का कोई ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। बल्कि कभी कभी सर ऐसा होता है कि कोई गरीब पेशेंट आते हैं, पैसे की दिक्कत होती है तो सक्षम नहीं हो पाते हैं पूरा पैसा देने में, तो उनको विशेष रूप से छूट भी कर देते हैं सर। एक बार फिर अपना नाम बोले। सर मेरा नाम सफ़ी अहमद है जी। आपका घर हो गया मधेपुर जी। एक्चुअली रहने वाले उमरी के हैं। आपके जो है उसका क्या नाम, क्या बताया आप? सर मेरे पैथोलॉजी का नाम जनता पैथोलॉजी मधेपुर है जी। और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 421 /22। मोबाइल नंबर 9934206696। धन्यवाद।